हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे थर्ड स्टैंडर्ड का इंग्लिश यूनिट वन लेसन नंबर 5, द स्टोरी ऑफ सिंदबाद द सेलर। तो इस लेसन में आपको एक सेलर की स्टोरी दी है जिसका नाम है सिंदबाद। द स्टोरी ऑफ सिंदबाद एंड हिज 7 फंटास्टिक वॉयजेस अपीयर्स इन द ह्यूज कलेक्शन ऑफ स्टोरीज। वॉयजेस का मीनिंग होता है जल यात्रा। मीन्स देखिए, सेलर है तो ये कहाँ पे जाते हैं? शिप पे। शिप कहाँ पे चलती है? समुद्री रास्ते से। तो समुद्री रास्ते से, पानी के रास्ते से जो यात्रा हम कंप्लीट करते हैं, जो जर्नी करते हैं, उन्हें वॉयजेस कहा जाता है। तो कई सारे वॉयजेस के उनके एक्सपीरियंस जो थे, सिचुएशन जो थे, वो अलग अलग स्टोरीज में आपको दिखाई देंगे। जैसे कि द बुक ऑफ 1001 नाइट्स और द अरेबियन नाइट्स, इसमें आपको मिलेगा। द स्टोरी टेलर्स दैट सिंदबाद वॉज ए फेमस सेलर हु लिव इन बगदाद। तो ये जो सिंदबाद थे, ये कहाँ पे रहने वाले थे? बगदाद में रहने वाले थे। ही वॉज ऑनेस्ट, जेनरस एंड ब्रेव। ही हैड मेनी एडवेंचर्स ऑन ईच ऑफ हिज वॉयजेस। तो हर एक उनकी यात्रा में, हर एक जर्नी में जो भी एडवेंचर्स उन्होंने किए थे या फिर जो भी सिचुएशन वहाँ पे थी, एक्सपीरियंस थी, वो हमें स्टोरीज में मिलेंगे। ही नेवर लॉस्ट हर्ट एंड होप इन डेंजरस सिचुएशन। तो अभी जब शिप पे वो जाते थे, समुद्री रास्ते से जाते थे, तो कई सारे ऐसे सिचुएशंस आते थे जो काफ़ी डेंजरस होते थे, लेकिन कभी भी उन्होंने वहाँ पे हार नहीं मानी थी। हमेशा उन्होंने होप्स रखे थे कि हम लोग इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे। ही ओवरकेम ग्रेट डेंजर्स एंड रिटर्न होम सेफली फ्रॉम ईच ऑफ हिज वॉयजेस। और हर एक बार जब भी वो किसी डेंजर सिचुएशन में जाते थे या फिर कोई डेंजर खतरा उनके सामने होता था, लेकिन फिर भी उस हर एक यात्रा से, हर एक जर्नी से वो अपने घर पे सेफ आए थे। हेयर इज़ द स्टोरी ऑफ हिज फर्स्ट वॉयज। तो यहाँ पे उनकी जो फर्स्ट यात्रा थी, उसके बारे में हमें इस लेसन में दिया है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं द फर्स्ट वॉयज। सिंदबाद सेट सेल विथ अ कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑन ए बिग शिप। तो यहाँ पे अभी उनकी यात्रा जो है वो स्टार्ट हुई है। जो मर्चेंट्स थे वो उनके साथ में, उनके शिप में थे। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे स्टॉप एट वेरियस पोर्ट्स। पोर्ट्स मीन्स बंदर, जहाँ पे शिप जो होती है रुकती है, तो उन्हें पोर्ट कहा जाता है। तो जब वो अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, तो ऐसे कई सारे पोर्ट्स उन्हें लगते हैं जहाँ पे रुक के वो क्या करते थे, अपना ट्रेड जो व्यापार था वो करते थे। देयर दे सोल्ड देयर मर्चेंडाइज एंड बॉट न्यू थिंग्स टू ट्रेड। तो वहाँ पे रुकने के बाद वो क्या करते थे, उनके जो मर्चेंडाइज, उनका जो सामान था, वो क्या करते थे, बेचते थे, और नया सामान वो वहाँ से खरीदते भी थे और आगे फिर से अपनी जर्नी स्टार्ट करते थे। वन डे व्हेन देयर शिप वॉज सेलिंग स्मूथली अक्रॉस द सी, दे स्पॉटेड अ स्मॉल आइलैंड एट अ डिस्टेंस। तो एक दिन जब उनकी शिप समुद्री रास्ते से जा रही थी स्मूथली, तो उन्होंने वहाँ पे देखा कि एक छोटा सा आइलैंड उन्हें नज़र आया कुछ डिस्टेंस पे। They had not seen land for many days and felt both surprised and happy to see the island. कई दिनों से उन्होंने कोई भी ज़मीन नहीं देखी थी, जिसके कारण वहाँ पर ज़मीन देखने के बाद वो काफ़ी खुश भी हुए और सरप्राइज भी हुए कि इतने बड़े समुद्र में एक छोटा सा आइलैंड कहाँ से आया। दे सेल क्लोज टू द आइलैंड। उसके बाद उन्होंने क्या किया, शिप को आइलैंड की तरफ लिया। द कैप्टन ऑफ द शिप अलो देम टू गो देयर फॉर अ पिकनिक। तो जो शिप के कैप्टन थे, उन्होंने सारे लोगों को अलाउ किया कि वो लोग वहाँ पे ज़मीन के ऊपर उतर सकते हैं और वहाँ पे पिकनिक मना सकते हैं। एवरीवन वाज एक्साइटेड। हर कोई वहाँ पे क्या था, एक्साइट था। ऑन द आइलैंड दे स्ट्रोल अराउंड, सैंग एंड डांस। तो वहाँ पे वो क्या करने लगे, सारे के सारे लोग वहाँ पे गाना गाने लगे, डांस करने लगे, क्योंकि काफ़ी दिनों से उन्होंने ज़मीन ही नहीं देखी थी इसके कारण। सम पीपल बिगैन टू वॉश क्लोथ्स। तो कुछ लोग अपने कपड़े धोने लगे। सम लाइट फायर्स टू कुक मील्स। और कुछ लोग वहाँ पे खाना भी बनाने लगे थे। सून अ ब्रीज स्प्रैंग अप। और थोड़ी देर में वहाँ पे क्या हुआ कि जोर जोर से हवा बहने लगी। द फायर्स बिगैन टू ब्लेज। और जो आग उन्होंने लगाई थी वो काफ़ी बढ़ चुकी थी। सडनली द लैंड बिगैन टू शेक एंड मूव। तो उस जिस ज़मीन पे, जिस आइलैंड पे लोग उतरे थे, वो ज़मीन अभी क्या होने लगी थी, शेक होने लगी थी, मूव होने लगी थी। With a shock, the picnic party realized that the island was not an island at all. और उसी समय जो लोग वहाँ पे पिकनिक पार्टी के लिए उतरे थे, उन्हें ये समझ में आ गया था कि वो एक्चुअल में आइलैंड नहीं था। They were on the back of a huge sea monster. और वो लोग कहाँ पे थे, एक ह्यूज बड़े से सी मॉन्स्टर के ऊपर रुके थे, वो एक्चुअल में आइलैंड नहीं था। एंड इट हैड स्टार्टेड मूविंग। जो कि अभी क्या करने लगा था, हिलने लगा था वो सी मॉन्स्टर। पीपल बिगेन टू स्क्रीम। लोग अभी जोर जोर से चिल्लाने लगे थे। स्क्रीम मीन्स चिल्लाना, जोर से चिल्लाना।
दे लेफ्ट देयर पॉट्स एंड पैंस, जो खाना बनाने के लिए उन्होंने बर्तन निकाले थे वो उन्होंने वहीं पे छोड़ दिए। देयर क्लोथ्स बोथ वॉश एंड अनवॉश, कपड़े जो कि उन्होंने धोए थे जो धोने बाकी थे सब वहीं पे उन्होंने छोड़ दिया। एंड रश बैक टू द शिप, और शिप की तरफ वो जोर से भागने लगे थे। द कैप्टन ऑर्डर हिज मैन टू सेट सेल इमिजिएटली इन ऑर्डर टू मूव अवे फ्रॉम द मॉन्स्टर। तो कैप्टन ने उन्होंने ऑर्डर किया सारे लोगों को कि इमिजिएटली हम क्या करेंगे, यहाँ से निकल जाएंगे, कि शिप लेकर हमें यहाँ से मॉन्स्टर से दूर जाना है। और सारे लोग वहाँ पे शिप में चले जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको समुंदर दिख रहा है इस तरीके से। द सी मॉन्स्टर प्लंग डीप इनटू द सी, और जो सी मॉन्स्टर था अभी धीरे धीरे करके वो समुंदर में नीचे जाने लगा था। मेनी ऑफ द पीपल मैनेज टू क्लाइंब अबोर्ड द शिप, तो कुछ लोग जो जोर से भाग के चले गए तो उन्होंने क्या किया, शिप को किसी ने पकड़ा, कोई शिप को पकड़ के ऊपर चढ़ने लगा। किसी तरीके से वो कोशिश कर रहे थे कि वो शिप में चले जाए। बट मैनी सैंक इन टू द सी विद द सो कॉल्ड आइलैंड, लेकिन काफ़ी सारे लोग जो वहीं पर बच गए थे या फिर वहीं पर रुके थे या फिर वो शिप तक नहीं पहुंच पाए, वो क्या होने लगे थे उस आइलैंड के साथ, मीन्स जो मॉन्स्टर था उसके साथ साथ नीचे डूबने लगे थे। सिंधबाद अलोन डिड नॉट ड्रॉन इन द सी, तो सिंधबाद जो था वो तो पानी में गिरे थे लेकिन पानी में डूबे नहीं थे। बट ही कुड नॉट रीच द शिप, लेकिन वो शिप तक नहीं पहुंच पा रहे थे या फिर नहीं पहुंच रहे थे। ही सॉ इट सेलिंग फार फार अवे, उन्होंने देखा कि उनकी शिप काफ़ी दूर चली गई थी। ही वॉज नाउ एट द मर्सी ऑफ द वेव्स बींग टॉस हेयर एंड देर, अभी वो पानी में गिरे थे तो वेव्स के साथ इधर उधर वो भी क्या हो रहे थे, जैसे कि हेयर एंड देर टॉस हो रहे थे। ही क्लंग टू अ पीस ऑफ वुड एंड सम हाउ मैनेज टू कीप अफ्लोट, तो उन्हें वहाँ पे एक किसका पीस मिला, टुकड़ा मिला लकड़ी का, तो उसे पकड़ के उन्होंने रखा। क्लंग मीन्स चिपक के रहना या फिर पकड़ के रखना, उसने तो उन्होंने क्या किया था सिंधबाद ने, उस लकड़ी को पकड़ के रखा कि किसी भी तरह से वो पानी में ना डूबे। ही स्पेंड द नाइट अलोन एट सी, तो उस पूरे समुंदर में वो अकेले उन्होंने रात बिताई क्योंकि वो पानी के अंदर थे और एक छोटा सा टुकड़ा जो उन्हें लकड़ी का मिला था उसे पकड़ के सारी रात वो समुंदर में थे। When the next day dawned, Sindabad was happy to see that he had floated near an island. जब सुबह हुई, दिन निकला दूसरा, तो उन्होंने देखा कि सिंधबाद जो है वो कहाँ पे थे, एक आइलैंड के पास वहाँ पे पहुँच गए थे। A real big island, लेकिन वो सच में रियल का आइलैंड था, जैसे कि उन्होंने पहले देखा था समुद्र वैसे नहीं था, रियल था और काफ़ी बड़ा भी था। He could see hills and woods and trees at a distance, तो पास में ही उन्होंने देखा कि उन्हें हिल दिख रहे हैं और ट्रीज दिख रहे हैं, वुड दिख रहा है। दो ही वॉज एक्सट्रीमली टायर्ड, ही स्वैम टू दिस शोर विथ ऑल द स्ट्रेन दैट ही कुड मस्टर, तो वहाँ पे पूरी रात भर वो पानी में ऐसे लकड़ी को पकड़ के थे तो काफ़ी टायर्ड हो चुके थे, और कैसे तैसे करके उन्होंने क्या किया, अपनी स्ट्रेंथ जो भी जान बची थी, जो भी एनर्जी बची थी, उससे वो क्या किया उन्होंने, स्विमिंग करते करते वो कहाँ पे आ गए थे, किनारे पे, समुंदर के किनारे पे आ गए। Exhausted and hungry, he lay on the sand for some time. तो पूरी तरीके से थकने के कारण, भूख लगने के कारण अभी उन्होंने क्या किया, सैंड के ऊपर वो थोड़ी देर के लिए उसी तरीके से क्या किया था, उन्होंने सो गए या फिर थोड़ी देर के लिए वहाँ पे रुके थे, ऐसे हम कह सकते हैं। Then again he made an effort and began to walk island toward the shady fruit trees that he could see at a distance. उसके बाद उन्होंने क्या किया, थोड़े से एफर्ट लेकर कैसे भी चल के वो आइलैंड तक गए जहाँ पे उनको ट्रीज मिले, शेडी फ्रूट ट्रीज मीन्स जिसकी काफ़ी अच्छी छाव भी थी और जहाँ पे फ्रूट्स भी लगे हुए थे। लकीली दिस वॉज अ टाइम वेन द किंग ऑफ दैट आइलैंड सेंड हिज हॉर्सेस टू द सी शोर विद द ग्रूम्स। ग्रूम्स मीन्स क्या कि जो हॉर्सेस की देखभाल करने वाले लोग होते हैं उनके साथ जो लोग थे वो वहाँ पे आए किनारे पे। द ग्रूम्स सॉ सिंधबाद एंड गेव हिम फूड एंड ड्रिंक, तो उन लोगों ने सिंधबाद को देखा कि उसकी हालत काफ़ी ख़राब है तो उन्होंने उसको खाना दिया, पानी दिया। देन दे टूक हिम टू द किंग, और उसके बाद वो राजा के पास उसे ले गए। द किंग वॉज इम्प्रेस बाय द वे सिंधबाद टोल्ड हिम अबाउट वॉट हैड हैपन, तो सिंधबाद ने किंग को पूरी स्टोरी सुनाई कि वहाँ पर उसके साथ क्या क्या हुआ और किस तरीके से वो यहाँ तक पहुँचा था। ही आस्क्ड सिंधबाद टू स्टे विथ हिम एंड वर्क एज एन ऑफिसर ऑफ द किंग एट द पोर्ट, तो राजा सारी स्टोरी सुनता है और काफ़ी इम्प्रेस भी होता है कि किस तरीके से उसने अपनी जान बचाई और यहाँ तक वो पहुँचा है। तो राजा ने उसे ये कहा कि वो एक ऑफिसर की तरह काम कर सकता है, किंग का जो भी पोर्ट था वहाँ पे, उस वहाँ पे जाके वो काम कर सकता है। सिंधबाद स्टे देयर फॉर अ फ्यू डेज, तो सिंधबाद कुछ दिनों तक वहाँ पे रहा, लर्निंग अ लॉट फ्रॉम द किंग एंड द पीपल ऑन द आइलैंड
एंड इन टर्न टेलिंग देम अबाउट द अदर सिटीज एंड पोर्ट्स दैट ही हैड विजिटेड। तो सिंधबाद वहाँ के लोगों के साथ रहने लगा, राजा के साथ रह के उनकी कई सारी चीज़ें वो सीखने लगा, लोगों से कुछ बातें सीखने लगा और वो लोगों को बताता कि किस तरीके से उन्होंने अलग अलग सिटीज़ को पोर्ट्स को विजिट किया है, वहाँ पे किस तरीके के लोग थे, ये सारी चीज़ें वो क्या करता था, दूसरों के साथ बात करता था या फिर उन्हें बताता था। At the port, Sindabad often made inquiries about any ships coming from or going to Baghdad, but no such a ship ever came to that port. तो उसे ऐसे लगता था कि उसकी जो बोट है, जो शिप है, वो कभी ना कभी तो वापस आएगी उसे लेने के लिए, या फिर यहाँ से कोई बगदाद के लिए जा रही क्या, वो हमेशा वहाँ पर इंक्वायरी करता था। Then one day a ship arrived at the island with a lot of merchandise. तो एक दिन एक ship आई जिसमें काफ़ी सारा merchandise था। Sindabad was at the quay एट द कीड वेन द कार्गो फ्रॉम दैट शिप वॉज बींग अनलोडेड। तो सिंधबाद उस समय वहाँ पे था जहाँ पे जो शिप्स होती है उनका सामान उतारा जाता है, तो उस जगह पे वो था। ही वॉज सरप्राइज टू सी दैट हीज ओन नेम वॉज मार्क ऑन सम ऑफ द बॉक्सेस। तो जब वो अनलोडेड मीन्स जो लोड था शिप का वो उतारा जा रहा था, तो उसने देखा कि जो बॉक्सेस थे उसके ऊपर उसका ही नाम लिखा था। देन ही वेंट टू सी द कैप्टन ऑफ द शिप। तो उसने देखा कि बॉक्सेस के ऊपर तो उसका ही नाम दिख रहा है, तो कैप्टन से ज़रूर मिलना चाहिए। तो वो कैप्टन से मिलने के लिए गया। एट फर्स्ट द कैप्टन कुड नॉट बिलीव दैट इट वॉज अ सेम सिंधबाद दैट दे हैड सीन ड्रॉनिंग इन द सी। तो कैप्टन को सबसे पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ कि ये सिंधबाद है जो कि समुंदर में डूब गया था या फिर समुंदर में गिरा था। बट वेन सिंधबाद स्पोक टू हिम फेस टू फेस ही रिकोगनाइज हिम। लेकिन सिंधबाद ने जब कैप्टन के साथ बात की तो उसने जल्दी से पहचान लिया। ही वॉज ओवर जॉयड टू सी सिंधबाद अलाइव। तो कैप्टन भी काफ़ी खुश हो गया कि सिंधबाद जिंदा है। ही गेव हिम बैक ऑल हिज मर्चेंडाइज। तो कैप्टन ने जो सारी मर्चेंडाइज जो कि सिंधबाद की ही थी वो उन्हें वापस कर दी। फ्रॉम द गुड्स दैट ही दस गॉट बैक सिंधबाद प्रेजेंटेड द मोस्ट वैल्यूएबल आइटम्स टू द किंग ऑफ द आयरलैंड सेइंग प्लीज एक्सेप्ट दिस योर मैजेस्टी। तो जो भी मर्चेंडाइज जो भी सामान उसका था जब उसके पास आया, तो उसमें से सबसे वैल्यूबल जो चीज़ थी वो उसने राजा को दी और कहा कि ये आप क्या करो, स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो, एंड यू आर वेरी काइंड एंड वेरी जेनरस टू मी। तो ये सारी बातें उसने की कि आपने आप एक अच्छे इंसान हो जिसने मुझे यहाँ पे रहने दिया वगैरह, ऐसे उसने बात की। द किंग वॉज प्लीज ही टू गेव सिंधबाद मेनी वैल्यूबल गिफ्ट्स व्हेन सिंधबाद लेफ्ट द आइलैंड विद द मर्चेंट शिप। तो राजा को भी वो काफ़ी अच्छा लगा था कि उसने यहाँ पे रखे कुछ काम किया था, अच्छी चीज़ें सीखी थी, तो राजा ने भी उसको बदले में मेनी वैल्यूबल्स गिफ्ट्स दी जब वो वापस जा रहा था अपने शिप लेकर। इफ़ यू वांट टू नो व्हाट हैपेंड टू सिंधबाद आफ्टरवर्ड्स यू हैव टू रीड द रेस्ट ऑफ द स्टोरी ऑफ हिज फंटास्टिक वॉयजेस। अगर आप चाहते हो कि बाद में सिंधबाद कहाँ गया, उसका क्या हुआ या फिर उसने क्या किया, तो ऐसे कई सारे जो स्टोरीज़ है उसके वॉयजेस में आपको मिल जाएंगे। तो आप उनके बुक्स ले सकते हो और रीड कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको एक छोटी सी लेकिन अच्छी सी स्टोरी दी थी। देखिए यहाँ पे मीनिंग्स भी आपको दिए जाते हैं, तो एक बार लेसन रीड करने के बाद आपको ये मीनिंग्स भी अच्छे से देखने हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस वर्ड का मीनिंग क्या दिया जाता है। तो इस तरीके से ये पूरी स्टोरी थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।